और हमारे ग्राम पुरैना में जो कि आंगनबाड़ी केंद्र खुला हुआ है, यहाँ लगभग 2 महीने से कोई भी पोषाहार वितरण नहीं किया गया है। मेन पात्र है उसका नाम लवकुश है और इसी पोषाहार न मिलने के कारण से उसको कुपोषण का शिकार होना पड़ा है। हाँ, हम ब्रह्मजीत, ग्राम पुरैना, जिला सिद्धार्थनगर। आंगनबाड़ी से हम लोग को कुछ सहायता नहीं मिल रहा है। हाँ, आपके बच्चों में न पोषण मिलने से क्या क्या दिक्कतें हो आई हैं? न पोषण मिलने से देख लीजिए, सामने है आपके पास, ये बच्चा न चल पाता, न फिर पाता है, न उसको साइकिल पे बिठाता है, कितना हिसाब कराते हैं। हाँ, बच्चे पोषाहार वितरण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, कब से मतलब आती हैं कि नहीं आती हैं? यहाँ जो पोषाहार आती है वो पशु आहार बन जाती है, यहाँ पता ही नहीं चलता है कोई। हाँ जी सर, बताइए आप, मतलब आपके यहाँ अंतर्गत जो बाल विकास परियोजना अधिकारी आप हैं मौके पे, यहाँ आपके यहाँ कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं और कैसे व्यवस्था क्या चल रहा है? हमारे यहाँ 369 केंद्र स्वीकृत हैं जी और 369 केंद्र संचालित हैं जी। इसमें आप द्वारा अभी एक फुटेज दिखाया गया है जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र पुरैना की जो स्थिति बताई जा रही है, दिखाई जा रही है और जो वहाँ के लोगों का ध्यान लिया गया है उसको मैंने सुना और देखा आपके कैमरे में। तो उसका तो मेरा यही कहना है कि आज मैं तत्काल सर्किल की जो मुख्य सेविका है उनको मैं आदेशित करता हूँ कल वह आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण करने के लिए, और मैं खुद जा कर के उसको देख रहा हूँ और उस कार्यकर्त्री के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें केंद्र संचालन के लिए संचित व्यवस्था का संचालन करवाया जाएगा। हम ब्रह्मजीत यह बदलाव चाहते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र पर जो पोषाहार वितरण नहीं किया जा रहा है उस पर अधिकारियों द्वारा कठिन से कठिन, कठोर से कठोर मतलब कदम उठाया जाए जिससे बच्चों को इसका पूरा पोषाहार मिल सके। मैं ब्रह्मजीत, ब्लॉक डुमरियागंज, जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहर्ड के लिए।